बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर सोशल स्टडीज़ टीचर शगुफ्ता रिजवान। टुडे आवर टॉपिक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स हाउ अ कंट्री, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क। Constitution means a book of rule written for a state. The basic principles and laws of a nation, state or a social group that determine the powers and duties of a government and guarantee certain rights to people in it. किसी चीज़ की तरकीब या बुनियादी कायम करदा असूलों का दायरा कार जिसके मुताबिक रियासत या दीगर तंजीमें हकूमत करती हैं। Constitution। इसके बाद हम आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इट्स मीन दैट पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट वेयर पीपल हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पर लोगों को वोट देने का हक है और वो वोट से अपने नुमाइंदा को मुंतखब कर सकते हैं। However, the Constitution of Pakistan specifies that only a Muslim can be elected the President or the Prime Minister of Pakistan. ताहम ये दस्तूर ये वजाहत करता है कि सिर्फ मुसलमान ही Prime Minister या सदर बन सकता है। Now we will discuss about features of the Constitution of 1973. अब हम 1973 के आइन के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स क्या हैं? अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो मेन चीज़ है, अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ अल्लाह। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट अल्लाह हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स, यानी कि अल्लाह के हकमियत आला अल्लाह पाक के पास है। नंबर टू इज़ इस्लामिक टीचिंग्स। इस्लामिक टीचिंग्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स that the culture and environment of Pakistan shall remain Islamic as it is a Muslim state, so the Muslims can live their lives according to teaching of Holy Quran and Sunnah. Number three is democratic state. Pakistan is a democratic state, यानी कि एक जमहूरी स्टेट है। Its citizen above 18 years of age vote and elect member of the National Assembly and the provincial assemblies. यानी कि यहाँ के शहरी जो हैं 18 साल से बड़ी एज के, वो वोट करके अपने लिए नेशनल असेंबली के नुमाइंदा को मुंतखब कर सकते हैं। नंबर फोर इज़ फेडरेशन। फेडरेशन मीन पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन ऑफ फोर प्रोविंसेस एंड वन फेडरल यूनिट दैट इज़ कॉल्ड इट्स दैट इज़ कॉल्ड इट्स कैपिटल। इस्लामाबाद इज़ द फेडरल ऑफ पाकिस्तान। नंबर फाइव इज़ टू सेफ गार्ड पाकिस्तान टेरिटरीज़। पाकिस्तान की अमलाक की हिफाजत करना। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द टेरिटरीज इंक्लूड इन पाकिस्तान आर इंटीग्रल पार्ट्स। पाकिस्तान का एक लाजमी हिस्सा है इसकी अमलाक। नंबर सिक्स फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है बुनियादी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ अपने जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के आज़ादी से वो तमाम हकूक लेकर पैदा होता है। द पाकिस्तानी has the right to life and liberty, is equal before law, has equal rights to receive education and adopt any profession, is free to earn any amount of wealth, property and a lawful manner, has a right to follow any religion and believe that does not violate any normal values, any moral values. Number seven is security of minority. सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी मीन के अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। आल माइनॉरिटीज़ लिविंग इन पाकिस्तान आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अकलियतें हैं वो आज़ाद हैं अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए, अपने मज़हब की पैरवी करने के लिए। देयर राइट्स आर सेफ गार्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। उनके हकूक आइन के तहत महफूज हैं। नंबर एट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब आज़ाद अदलिया। द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म दैट ऑल कोर्ट्स आर फ्री टू मेक डिसीजंस ऑन मेरिट। एवरी पर्सन रिच और पुअर हैज़ द राइट्स टू गेट जस्टिस। पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद है और मेरिट पर फैसला करने की
हकदार है एवरी पर्सन, हर शख्स रिच है चाहे वो गरीब है या अमीर है, उसको इंसाफ हासिल करने का हक है। दीज ऑल आर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। देयर आर थ्री कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के तीन आइने जब से पाकिस्तान बना है, पहला 1956 से 1958 तक, दूसरा 1962 से 1959 तक है, और तीसरा ये 1962 से 1969 तक, और तीसरा है 1973 का आइन, ठीक है, जो अभी तक इम्प्लीमेंट है। और आइन के अंदर टोटल 280 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, दैट्स ऑल्सो।